नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो बीडीपी की स्कूटनी और रीचेक के रिजल्ट के बारे में। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे सभी छात्र छात्र एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भी छात्र छात्र हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो देखो, स्कूटनी और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट ये है कि जैसे कि सामने मैंने लिखा है कि इस महीने आ जाएगा स्कूटनी रीचेक रिजल्ट क्या 2023। तो देखो, स्कूटनी और रेवोल्यूशन का जो रिजल्ट है उसको आने में करीब मैं अगर सही बताऊं तो 40 से 50 दिन लगते हैं। ठीक है, तो लगभग अगर आपका, मैंने एक टीचर हैं अपने कॉलेज के जो HOD है मेरे, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने बताया था, उन्होंने बताया कि बेटा आपका जो रिजल्ट है स्कूटनी और रीचेक का वो लगभग तैयार है। लगभग मान के चलिए आपका इस महीने के लास्ट तक 100%, 101% अगर मैं बोलूँ तो भी ठीक है कि 101% आपका जो रिजल्ट है स्कूटनी और रीचेक का वो मई के लास्ट तक आ जाएगा। यानी कि 25 मई के बाद से कभी भी आपका स्कूटनी और रीचेक का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर आपके एग्ज़ाम भी हैं। ठीक है, आपका, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे होते हैं उन्हें सेकंड सेमेस्टर में बैक देनी जो होती है, मतलब जिसकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक होती है उसको सेकंड सेमेस्टर में बैक देनी होती है। ठीक है, बोर्ड आपका जो एग्ज़ाम है वो 15-16 तारीख से आपका स्टार्ट कर रहा है, 15 जून से या 16 जून से, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपका जो रिजल्ट है वो उसी हिसाब से जल्दी से जल्दी जारी कर देंगे, ताकि जितने भी बच्चे हैं जो स्कूटनी और रिवोल्यूशन का जिसने फॉर्म डाला है अगर वो क्लियर हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो वो बैक का फॉर्म भर सके। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भी आ गए हैं, उसमें ही आपके बैक के फॉर्म भी आ गए, तो स्कूटनी रीचेक का जिस जिस बच्चों ने भरा है, तो इसलिए आपका जो लास्ट डेट मान लीजिए इस एग्जामिनेशन फॉर्म की 31 तारीख है। ठीक है, तो 31 तारीख से पहले पहले आपका रिजल्ट इसीलिए आएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए रीचेक और रिवोल्यूशन जिस बच्चे का क्लियर नहीं हुआ अगर उसकी बैक लगी तो बैक का फॉर्म भर के एग्जाम तो दे पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो रिजल्ट है वो 31 तारीख से पहले आने की संभावना बहुत अधिक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।